इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप सिर्फ एक एआई टूल का यूज करके किस तरीके से 20 एनिमेशन स्टोरी वीडियो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जो कि सिर्फ मैंने 5 मिनट में क्रिएट की है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको सभी ए टू जेड जानकारी देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन अ क्वेंट कैनेडियन विलेज, अ क्यूरियस यंगस्टर स्टंबल्स अपॉन एन इंजर्ड बर्ड व्हाइल टेंडिंग टू द गार्डन। विद जेंटल हैंड्स He carries the fragile bird back to his humble abode, realizing it needs more help than he can provide. An encounter with the wise Mr. Miller reveals the seriousness of the situation. The bird belongs to a rare species that demands specialized care. With newfound resolve, the young lad implores Mr. Miller to join forces in a race against time to save the bird's precious life. Urgency fuels their every step, as they embark on a desperate journey to deliver the bird to the sanctuary's capable hands. As they journey onward, the persistent threat of time becomes a looming adversary, casting a shadow over their mission of mercy. Arriving at the sanctuary, a beacon of hope shines through the chaos, promising a chance at salvation for the injured bird. Expert hands work tirelessly to heal the wounded creature, their diligence a testament to the power of compassion and expertise. With the bird saved and thriving, a sense of accomplishment washes over the young hero, igniting a passion to continue his noble journey of caring for nature's creatures. Hello, how are you, friends? Today in this video, I will tell you Artflow AI tutorial video, describe the video. So let's start the video. इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है Artflow AI वेबसाइट। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, सबसे पहले आपको इसे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के कंस्टेंट्स करैक्टर्स हैं। आप इन करैक्टर से स्टोरी टेलिंग करा सकते हैं और यहाँ पर इन करैक्टर से वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर है इमेज स्टूडियो, वीडियो स्टूडियो, स्टोरी स्टूडियो, करैक्टर बिल्डर। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इमेज स्टूडियो का। सो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे वीडियो स्टूडियो, आप यहाँ पर वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो, और स्टोरी स्टूडियो पर आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, और इमेज स्टूडियो पर आप इमेज भी जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले हम इमेज स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कई जो है इमेज जनरेट की हुई हैं, जो मैंने पहले की थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको न्यू इमेज जनरेट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर लें कि आपका जो ये वेबसाइट है डैशबोर्ड साइट में ओपन है या नहीं। सो यहाँ पर ये टिक का निशान आपके यहाँ पर होना चाहिए। सो यहाँ पर हमने इसे डैशबोर्ड साइट में ओपन किया हुआ है अपने मोबाइल फ़ोन में। यहाँ पर ऊपर लिखा है क्रिएट इमेज, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जनरल है, आप किस शेप में इमेज चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट है चाहते हैं या जनरल चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं जनरल सिलेक्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं किस साइज़ में आपको इमेज चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। देन यहाँ पर है नीचे, आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और ऊपर की ओर यहाँ पर है योर प्रॉम्प्ट। आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालना है, आप जिस भी टाइप की इमेज चाहते हैं, या तो आप यहाँ पर लिख दें या आपके पास ऑलरेडी कोई प्रॉम्प्ट हो। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको टाइप कर देना है आपको जिस भी टाइप की इमेज चाहिए। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं फेस किस तरीके से होना चाहिए आपके करेक्टर का, तो आप यहाँ पर इन फेसेस को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस है, बॉडी है, जो आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसे मैं रहने देती हूँ, फेस और बॉडी को हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर है नीचे ऐड स्टाइल, आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्टाइल्स ओपन होकर आ जाएंगे। आपको किस स्टाइल्स में इमेज चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कार्टून के स्टाइल में चाहिए या एनाइम के स्टाइल में चाहिए, और भी बहुत सारे यहाँ पर स्टाइल्स हैं। आप यहाँ पर स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एक स्टाइल, आपको जो भी चाहिए जिससे भी जिस भी तरीके की आपको इमेज चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टोरी बुक स्टाइल सिलेक्ट कर दिया है, देन आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम जनरेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारी 4 इमेजेस जो है जनरेट हो चुकी है और बहुत ही अच्छी इमेजेस यहाँ पर जनरेट हुई है। आप 3D कार्टून में भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर स्टाइल्स चेंज करना है और आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में इमेजेस यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ये वाला स्टाइल जो है सिलेक्ट किया था और ये 4 इमेजेस हमारी जनरेट हो चुकी है और आप इन इमेजेस का यूज़ करके स्टोरी वीडियो बना सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वीडियो स्टूडियो। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे वीडियो स्टूडियो पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने जो है वीडियो स्टूडियो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और ये जो मैंने कुछ ऑलरेडी वीडियो जो है बनाई हुई है ये प्रोजेक्ट है, हमें बनानी है न्यू वीडियो, तो इसके लिए हम क्रिएट वीडियो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर है स्कैन करेक्टर डायलॉग इफेक्ट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर है माई लाइब्रेरी, और यहाँ पर जो हमने इमेज जनरेट की थी माई लाइब्रेरी, जो भी इमेजेस हमने यहाँ पर जनरेट की थी यहाँ पर आ जाएंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से आप इमेज सिलेक्ट कर लें, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कैन यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर है अपलोड। आप चाहते हैं कोई इमेज गैलरी से डाउनलोड करना और यहाँ पर ऐड करना तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है करैक्टर, आप यहाँ पर करैक्टर देख सकते हैं। अगर आप अलग से कोई करैक्टर ऐड करना चाहते हैं जिससे आप वॉइस ओवर कराना चाहते हैं तो आप यहां से कोई करैक्टर ऐड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट करैक्टर्स हैं जो कि आपको स्टोरी को टेलिंग करेंगे। और यहां पर आप ये जो माइक का निशान देख रहे हैं ये ऑन है, माइक का निशान जो ऑन रहेगा ब्लू कलर का तो ये करैक्टर जो है स्पीकिंग करेगा। यहां पर है डायलॉग, आपको डायलॉग पर क्लिक करना है यहां पर और आपको डायलॉग ऐड कर देना है। सो यहाँ पर हम डायलॉग पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम डायलॉग पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एंटर योर डायलॉग, तो आपको यहाँ पर अपना एंटर कर देना है डायलॉग और यहाँ से आपको वॉइस सिलेक्ट कर लेनी है। आपको मेल की फीमेल की जो भी वॉइस चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इफ़ेक्ट्स पर आकर इस तरीके से इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लेते हैं। और नेक्स्ट लेयर जोड़ने के लिए आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्लस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ये अगेन से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट लेयर हम ऐड करेंगे। सो नेक्स्ट लेयर के लिए हम यहाँ पर सेकंड इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर ये इमेज जो है ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर है अपलोड और यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं डायलॉग एंटर करना तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपलोड पर आएंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं जो कि आप वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर है डायलॉग, आप चाहते हैं तो यहाँ पर डायलॉग भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपलोड में आकर यहाँ से कोई ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर है इफ़ेक्ट्स, आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लेना है, सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया है। और यहाँ पर इस तरीके से आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर ऊपर आपको क्लिक कर देना है एक्सपोर्ट। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर टाइटल ऐड कर देना है, देन एक्सपोर्ट वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर जो है ये वाली वीडियो हमारी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी।
यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। इतने हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टोरी स्टूडियो। जैसे ही आप यहाँ पर स्टोरी स्टूडियो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा न्यू स्टोरी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और हेल्प मी गेट ए स्टोरी, आई हैव ए स्टोरी। सो आपको यहाँ पर स्टोरी चाहिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑडियंस सिलेक्ट कर लेनी है। आप किस ऑडियंस के लिए स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ से आप 5 ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट जनरेशन आपकी कौन सी जनरेशन वीडियो वॉच करती है तो आपको वो भी सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको एक टाइटल दे देना है स्टोरी का, देन आपको यहाँ पर नीचे क्लिक कर देना है। सो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी स्टोरी जो है जनरेट हो जाएगी और करेक्टर्स के नेम भी यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी स्टोरी जो है पूरी क्रिएट हो चुकी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्टोरी है तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी छोटी कर लेती हूँ स्टोरी को और यहाँ पर हम क्रिएट दिस स्टोरी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ये साइज़ हम सिलेक्ट कर लेंगे, आपको जो भी साइज़ चाहिए सिलेक्ट कर लें। सो यहाँ पर साइज़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है सिलेक्ट विजुअल स्टाइल्स ऑफ योर स्टोरी। तो आप अपनी स्टोरी के लिए क्या स्टाइल्स रखना चाहते हैं आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल आर्ट, कार्टून, 3D कार्टून, स्टोरी बुक, क्लासिक, तो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेती हूं स्टोरी बुक। तो यहां पर हम स्टोरी बुक सिलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो 3D कार्टून भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टोरी करैक्टर्स आपके जनरेट हो जाएंगे और नीचे लिखा है कंटिन्यू टू स्टोरी बोर्ड, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपके सामने ये इमेजेस जनरेट हो जाएंगी ऑटोमेटिक, आपकी पूरी स्टोरी की इमेजेस यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देख लेना है वन बाई वन करके आपकी इमेजेस किस तरीके से जनरेट हुई है। सिर्फ आपको यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है और इस तरीके से आप स्टोरी वीडियो बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर हमारी पूरी स्टोरी की जो इमेजेस हैं यहाँ पर जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर 2 इमेजेस का ऑप्शन है। आप यहाँ से कोई सी भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी इमेज आपको स्टोरी में चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन को थोड़ा सा प्रेस करना है और यहाँ पर डाउनलोड इमेज क्लिक कर देना है और आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी गैलरी में। तो यहाँ पर हम वन बाई वन करके सभी इमेजेस देख लेते हैं किस किस टाइप की इमेजेस हमारी जनरेट हुई हैं। और यहाँ पर आप इमेजेस जनरेट कर लेंगे एक ही बारी में, आपको यहाँ पर इमेजेस जनरेट होकर मिल जाएंगी और आपको बार बार प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना है और ना ही स्टोरी को कहीं और से लेना है। देन यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी जो स्टोरी है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और आप ये प्ले करके देख सकते हैं। stumbles upon an injured bird while tending to the garden. With gentle hands, he carries the fragile bird back to his humble abode. Realizing it needs more help than he can provide. An encounter with the wise Mr. Miller reveals the seriousness of the situation. The bird belongs to a rare species that demands specialized care. With newfound resolve, the young lad implores Mr. Miller to join forces in a race against time to save the bird's precious life. Urgency fuels their every step as they embark on a desperate journey to deliver the bird to the sanctuary's capable hands. As they journey onward, the persistent threat of time becomes a looming adversary, casting a shadow over their mission of mercy. Arriving at the sanctuary, a beacon of hope shines through the chaos, promising a chance at salvation for the injured bird. Expert hands work tirelessly to heal the wounded creature, their diligence a testament to the power of compassion and expertise. With the bird saved and thriving, a sense of accomplishment washes over the young hero
igniting a passion to continue his noble journey of caring for nature's creatures. और अब हम इस स्टोरी को डाउनलोड करेंगे. डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है. डाउनलोड विथ सबटाइटल्स पर आपको क्लिक करना है और आपकी ये स्टोरी डाउनलोड हो जाएगी गैलरी में. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने जो स्टोरी जनरेट की थी इमेजेस से वो वाली जनरेट हुई है या नहीं. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये वाली स्टोरी भी जनरेट हो चुकी है. यहाँ पर मैंने स्टोरी टाइप कुछ नहीं लिखा था. यहाँ पर मैंने कुछ डायलॉग एंटर किया था जो कि ये स्पीकिंग कर रहा है. तो यहाँ पर हम इसे प्ले करके देख लेंगे और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का आइकन और आपको सिंपली यहां पर इसे क्लिक करना है. और आप सबटाइटल के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं या विदाउट सबटाइटल्स आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप यहां पर इसे डाउनलोड कर लें. सो आप इस तरीके से इस एआई वेबसाइट का यूज़ करके एनिमेशन स्टोरी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो.